साथियों, मणिपुर से मेवात तक, बरेली से बादशाहपुर तक जो हो रहा है वो आपके सामने। हिंदुस्तान की रूह पर एक हमला हो रहा। शंभूलाल रेगर ने अफराजुल को मारा या रियाज अत्तारी और घोष मोहम्मद ने कन्हैयालाल तेली को मारा या चेतन सिंह ने चार यात्रियों को मार दिया, तीन मुसलमान थे, एक उसका अपना बॉस था, ये सब कोई हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा उससे कहीं ज्यादा बढ़कर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस देश की आत्मा पर जमकर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, कई कई दशकों से कर रहे हैं। और ये लड़ाई आज की नहीं है, न कल शुरू हुई न कल खत्म होगी, ये बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत आगे तक जाएगी। कभी कभी लगता है कि हम क्यों बोल रहे हैं, लफ्जों की हकीकत कई बार सताती है। द इनइफेक्टिविटी, द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ड्स। लेकिन आज बहुत जरूरी है, हम जो भी हैं, जहां भी हैं, सरकार में हैं, नहीं है, मायने नहीं रखता। एक पूरा तंत्र है, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसके साथ मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और लफ्ज ही है हमारे पास। कई बार बहुत साथी फोन करते हैं कि ऐसे मीडिया को बॉयकॉट करिए, उनको विज्ञापन मत दीजिए, तमाम जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं उनको भी कहिए कि साहब इनको बॉयकॉट करें। बिल्कुल, इन सब चीजों पर विचार किया जा रहा है और विचार करना आवश्यक है, जरूरी है। आफ्टर ऑल, हम वी थिंक वी आर द मदर ऑफ सिविलाइजेशन, वी आर द मॉरल कंपस फॉर द वर्ल्ड। हाउ कैन वी अलाउ आवरसेल्व्स टू गेट डिसइंटीग्रेटेड लाइक दिस? हाउ कैन वी अलाउ आवर सोल टू गेट डिस्ट्रॉयड लाइक दिस? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम अपनी आत्मा को नहीं मरने देंगे। सरकार में आए ना आए, सरकार में रहें ना रहें, सरोकार रहना चाहिए। और जो लोग समाज में जहर के बीज बोते हैं, वही लोग हैं जो आज सत्ता की फसल काटने की कोशिश करते हैं। उसी नफरत से, उसी जहर से वो सत्ता की फसल काटते हैं। वो नहीं चाहते कि हम मणिपुर की बात करें, वो नहीं चाहते हम बेरोजगारों की बात करें, वो नहीं चाहते हम महंगाई की बात करें, वो नहीं चाहते हम उनके अपने शब्द उनको याद दिलाएं कि साहब आपने फला दिन इस मुद्दे पर ये बोला था। वो उन तमाम मुद्दों से, उन तमाम शब्दों से, उन तमाम लफ्जों से हमारा और आपका ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए रोज एक नया विवाद पैदा होता है। वो नहीं चाहते कि समाज में संवाद हो, वो कांटों की खेती करते हैं, वो इस देश के रंग बिरंगे फूलों से डरते हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको फूलों से नफरत है, जिनको रंगों से नफरत है, जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, जिनको जुड़ता हुआ भारत पसंद नहीं है। राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो की बात करते हैं तो वो सिर्फ नक्शे पे नीचे से ऊपर कोई लकीर नहीं खींचते, वो चलते हैं, चल के लोगों से मिलते हैं, लोगों को समझते हैं और भारत को जोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। हम इंडिया बोले तो इन्हें इंडिया से नफरत है, हम भारत जोड़ो बोले तो इन्हें भारत के जुड़ने से नफरत है। हमारी लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है। एंड वी वोंट गिव अप, हम नहीं हार मानेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। ये युगों युगों से चलती हुई लड़ाई है, आगे भी चलेगी। हमारी पीढ़ी इस लड़ाई को जीतेगी ताकि आने वाली पीढ़ी को ये दौर न देखना पड़े, ऐसा अंधेरा न देखना पड़े, ऐसी हताशा न देखनी पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।